जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, इस चीज को अब छोड़ने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि एग्जाम आता है मॉडल पेपर और पीवाई की ओर से, गाइड से कुछ नहीं आता आपको। अगर आप पोइम के क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, कहाँ से पढ़ रहे हो मेरे को एक बात बताओ, गाइड से? एक पोइम के कितने क्वेश्चन दिए हैं, 20 से 25? भाई बुक दी है ना, एनसीईआरटी वालों ने बुक बनाई है, तो उसके टेक्स्टुअल क्वेश्चंस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं मेरे भाई? आज की इस वीडियो अगर आपने देख ली और ट्रिक को फॉलो कर लिया ना, 10 मार्क्स आपके आज के आज बुक करवाने वाला हूं मैं जेके बोर्ड के बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के एग्जाम की, और पॉइंट्स में 10 मार्क्स मतलब 2% मतलब कई सारी रैंक आगे जाना, और अगर 2% जाती है तो कई सारी रैंक पीछे जाना। दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश के एग्जाम में सबसे ज्यादा डर पोइम्स में ही लगता है? आपका ये डाउट रहता है या पोइम में से अगर कोई पैसेज आ गया तो किस तरह से बनाएंगे? चलो स्टोरी पैराग्राफ से कोई पैसेज आ गया उसको तो बंदा ढूंढ के बना सकता है, उसके क्वेश्चंस आ गए तो वो तो चलो बंदा कर लेते, लेकिन अगर पोइम से कोई पैसेज आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, वो किस तरह से करें? तो भाई पोइम पढ़ने का भी तरीका है, पोइम के आंसर बनाने का भी तरीका है, बस उस तरीके को ना पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाइड उठाई रट्टा लगाया और बोर्ड एग्जाम में जाके क्वेश्चन लिख रही हो, ऐसा नहीं कि नोट्स उठाए रट्टा लगाया और जाके लिख रहे हो फिर मार्क्स नहीं आते। रट्टे से भी बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस टेक्निक को अगर आपने फॉलो कर लिया मार्क्स टॉपर जैसे आएंगे इंग्लिश के पोइम में से, और अगर इंग्लिश के पोइम में 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए ना, जी हाँ, जेके बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश के एग्जाम में पोइम 10 मार्क्स में आएंगे, 4 मार्क्स में पैसेज और 6 मार्क्स में क्वेश्चन। और टेक्निक बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, पैसेज किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो किस तरह से भाई उसको करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस यार, तो दिक्कत किस बात की है ना, बने रहिए वीडियो में एंडिंग तक, 6-7 मिनट की वीडियो है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, 6-7 मिनट इन्वेस्ट करके अपने 10 मार्क्स बुक करो ना यार। नमस्कार दोस्तों, मैं गरम महाजन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपके 10 मार्क्स बुक करवाने वाला हूँ पहले ही इंग्लिश के एग्जाम में, और 10 मार्क्स मतलब 2% है, ये मैं आज ही बुक करवाने वाला हूँ अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच कर दिया तो। बुक में क्या कहूँगा, वीडियो आप देखो और टेक्निक को अपना लेना, ऐसा मत करना कि वीडियो देख लिया अब 10 मार्क्स बुक करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, भाई उस टिप को फॉलो भी करना। देखो, सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पोइम्स में से कितने मार्क्स का आएगा, तो पोइम में से आपको 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होंगे, तो 4 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा और 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 आपको करने हैं और वो 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, तो इस तरह से वो 6 मार्क्स बन जाते हैं। अब पोइम में 10 मार्क्स सिक्योर करने का बेस्ट टेक्निक क्या है, तो एक चीज समझो, प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हो, एमबीडी की गाइड से ना करो, उसी से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक चीज समझ लो कि अगर आप एमबीडी की गाइड से या किसी भी हेल्प बुक से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो वही क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, पहले 6 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, जस्ट एक टेक्निक अपनाओ, सामने रख लो अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, क्या रख लो सामने, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में जो आपको टेक्स्टुअल क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, उन टेक्स्टुअल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो गाइड से, क्योंकि गाइड में एक पोएम के लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, 30-40 तो होंगे ही होंगे यार, लेकिन टेक्स्चुअल क्वेश्चंस करो, गाइड ले लो, गाइड से टेक्स्चुअल क्वेश्चन बनाओ, और बनाने कितने हैं, गाइड में भी कई बार क्वेश्चन के आंसर्स ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 वर्ड्स में, 20-30 वर्ड्स में अपना आंसर प्रिपेयर करो, और कौन से आंसर लर्न करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्चुअल है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक वाले, समझ में आ गया? एक टेक्निक, क्वेश्चंस के लिए दूसरी टेक्निक, कौन से ईयर में आप अपना बोर्ड एग्जाम दोगे, 2025 में दोगे ना, 2024, 2023 और 2022, ये 3 साल के
इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर उठाओ, सेट ए सेट बी, सेट ए में जो क्वेश्चन होंगे ना वही सेट बी और सी में होंगे, तो तीन ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको उठाने हैं 2022, 2023 और 2024, और इन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए होंगे ना उनको याद कर लेने। करना क्या है, एक नोटबुक लगानी है, वहां लिखना है प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, और वहां पे ना उन क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाओ, जब बोर्ड एग्जाम आएगा उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लेना जो आपने तीन ईयर में से सॉल्व किए हैं, और सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस को पढ़ लेना, आपके आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि एमबीडी की गाइड या किसी भी अगर गाइड से पढ़ रहे हो ना आप, तो मैं आपको वार्न कर दूं वहां पे बड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं, सभी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल करो और तीन ईयर के पिछले क्वेश्चन पेपर देख लो, और उसमें जो क्वेश्चन आए हैं ना उनको अभी से, यार देखो अभी आप बोल रहे होंगे कि यार अगस्त है, बोर्ड एग्जाम तो मार्च में है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम मार्च में है, एकेडमिक कैलेंडर आपने भी देख लिया होगा, आजकल कौन पीछे रहता है, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स आजकल एकेडमिक कैलेंडर भी बताने लगे हैं जम्मू कश्मीर में, तो अच्छी बात है यार एकेडमिक कैलेंडर देख लिए, पता लग गया है कि मार्च में एग्जाम है, लेकिन यार बाकी सब्जेक्ट्स में तो करने हैं ना, जो जिन्होंने नॉन मेडिकल रखे हैं पीसीएम भी करने हैं, एडिशनल को भी थोड़ा टाइम दे देना, फिजिकल एजुकेशन रखी है तो, या जो भी फिजिकल जो भी एडिशनल सब्जेक्ट रखा है, तो अगर आपने पीसीबी रखी है तो उसको भी टाइम देना है, आर्ट्स वालों ने भी टाइम देना है अपने सब्जेक्ट्स को, तो इंग्लिश को ना अभी से प्रिपेयर करते जाओ, क्योंकि अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे ना तो बोर्ड एग्जाम्स के दौरान किसी भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक अपना लो आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए। पैसेजेस भाई, अगर आपको स्कूल टेस्ट का कोई डर नहीं है ना, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको स्कूल टेस्ट का कोई डर नहीं है ना कि स्कूल टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं, तो फिर पैसेज को पढ़ना ही वो है, टाइम वेस्ट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो बात सुन के जाना यार, ऐसे कट मत करना बात को, बात सुन के जाना। आप पैसेज कहाँ से लर्न कर रहे हो, 100 में से 99 लोगों का आंसर होगा गाइड्स वहीं से करते हैं सभी लोग, हमने भी वहीं से किए, लेकिन एक चीज जो मुझे पता लगी थी वो था कि गाइड से पैसेज लर्न करने का कोई मतलब मोड़ ही नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है। करना क्या है, मॉडल पेपर्स उठाने हैं, पांच मॉडल पेपर्स आपको उठाने हैं, उसमें जो जो पैसेज आपको आया है ना उनको रट्टा लगा लो गोटा लगा लो, पांच मॉडल पेपर उठाए, तीन आपको उठाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का, 23 का और 24 का, और इनमें जो पैसेजेस आए हैं ना गोटा लगा लो रट्टा लगा लो। ये अगर आप पांच मॉडल पेपर और तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैसेजेस को गोटा लगा लोगे ना, आठ पैसेजेस हो जाएंगे, और इन्हीं आठ पैसेज में से कोई ना कोई पैसेज आपको रिपीट मिलेगा, इस बात की गारंटी है वो रिपीट मिलेगा। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि अपन को करना क्या है, इंग्लिश हमारे आगे कोई काम आएगी नहीं, इंग्लिश ग्रामर आएगी, जिसने यूपीएससी क्लियर करनी है, नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है, तो उसको इंग्लिश ग्रामर आगे लाइफ में काम आएगी, लेकिन पैसेजेस इनको रट्टा लगाना, इनके क्वेश्चंस को रट्टा लगाना, ये किसी भी तरह का फायदा आपको देगा नहीं, खुद सोच के देखो यार। तो आप इनकी क्या करो, मॉडल पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको ना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अभी से। और अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है, पीवाई के और नहीं है ना, जहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ से लूँ, तो मेरे को डीएम कर दो यार इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सारे पैसेजेस भी प्रोवाइड करवाऊंगा, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा एट जस्ट रुपीज 150। बट अगर आपको नहीं करना मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सारे मॉडल पेपर हैं, पीवाई क्यों हैं, तब भी मेरा यही स्टैंड रहेगा कि उन्हीं पर फोकस रहो, गाइड वगैरह शुरू दो, क्योंकि गाइड से चीज़ें आती है लेकिन कितनी चीज़ें पढ़ोगे यार आप, तो उन पैसेजेस पे जो मॉडल पेपर्स में और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे हैं उनको रट्टा लगा लो, उनको गोटा लगा लो, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने आपको सेपरेट ट्रिक बता दी है दोस्तों। इस ट्रिक को अगर आप अभी से फॉलो करते हो ना, आज समझ ली, इसको लिख लो कहीं पर, और कल से इस ट्रिक को लगाना स्टार्ट कर, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 10th 11th 12th तीन बोर्ड क्लासेस का एक्सपीरियंस है मेरे को, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक को अपना लो, अगर ट्रिक फेल हुई ना तो
मेरे साथ पर्सनल बात कर लेना, पर्सनली मुझे जो बोलना होगा बोल लेना, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रिक कभी फेल हो ही नहीं सकती। बिलाल आज की ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, आपके माइंड में कोई भी नॉलेज घुसी है थोड़ी बहुत भी, अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ तो बात थी वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर से क्लिक करना, क्योंकि एक वीडियो यहाँ पे आपने देखी होगी लेकिन हर दिन इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आती है जेके बोर्ड के रिलेटेड, और जेके बोर्ड को तो एक्सपोज भी कर दिया है, उसका लिंक भी आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें हमने जेके बोर्ड के पिछले साल हुई गलतियों के बारे में बात की थी, जिसके कारण कई सारे स्टूडेंट्स को तो बेहोशी के चक्कर भी आए थे। बिलाल आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।